सिंपल स्टेप में बताता चलूं कि देखें, व्लॉगिंग में पैसे हैं पहली बात, तो आप ये जहन में रख लें। क्योंकि मैं ऐसे बंदों को जानता हूं जिन्होंने 2020 के अंदर इनके पास 80 रुपये किराए को नहीं होता था और उन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया। आज वो 18 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं और एक अच्छे न्यूज़ चैनल की ऑफर को ठोक। वेलकम, मैं हूँ फाद अहमद शेख और आप देख रहे हैं डील विद फाद। भाई, आज के एक बहुत संगीन और एक बहुत ज़्यादा उठता हुआ टॉपिक है कि व्लॉगिंग के अंदर पैसे हैं कि नहीं है, क्योंकि डकी भाई ने ले ली है गाड़ी। तो देखिए, मैं आपको दो और दो चार की तरह सिंपल स्टेप में बताता चलूं कि देखिए, व्लॉगिंग में पैसे हैं पहली बात, तो आप ये जहन में रख लें। क्योंकि मैं ऐसे बंदों को जानता हूं जिन्होंने 2020 के अंदर इनके पास 80 रुपये किराए को नहीं होता था और उन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया। आज वो 18 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं और एक अच्छे न्यूज़ चैनल की ऑफर को ठुकरा चुके हैं पहली बात। मैं ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने खाने पीने का काम स्टार्ट किया अपना यूट्यूब के ऊपर, एक स्टेबल अमाउंट जो है ना कमा रहा है। और ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जिन्होंने काम स्टार्ट किया वो अभी तक लगे हुए, और ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जिन्होंने आज से 3 साल पहले काम स्टार्ट किया जो कि व्लॉगिंग करते थे, आज उनके पास इतना काम आ रहा है, इतने लोग मार्केटिंग के लिए उनको बुला रहे हैं कि मत पूछें। बताने का मकसद है क्योंकि मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का भी चैनल मोनेटाइज हो गया है, मुझे अंदाज़ा है। अब मेरे साथ लिंक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल बनाया, कमाया और छोड़ दिया। मैं एक ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जिसने इस्लामाबाद में बैठ के अपना एक चैनल बनाया वॉइस ओवर का, वो वॉइस ओवर करता था और जैसे उसके इतना कुछ कहानियाँ बताता था, तो उसकी 3-4 वीडियोज ऐसी गई कि उसने पाकिस्तानी 70,000 रुपये कमाए। कितने व्यूज़ पर मैं बता देता हूँ आपको, उसकी एक वीडियो गई 2.5 लाख पे, एक वीडियो गई तकरीबन 1.5 लाख पे और एक वीडियो कुछ 1,000 पे गई, तो उसके 70,000 पाकिस्तानी बने। लुबे लुबाब ये है बात का कि देखें, व्लॉगिंग के अंदर पैसा है वो अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर CPM रेट बहुत ज़्यादा कम है, बाहर मुल्कों में CPM रेट बहुत अच्छा है, लेकिन व्लॉगिंग में पैसा किस तरीके से मिलता है? व्लॉगिंग में पैसा इस तरीके से मिलता है, जब आप मशहूर हो जाते हो, जब आपकी व्यूवरशिप होती है, आपके पास पब्लिक होती है, तो बहुत सारे लोग आपसे जो है ना स्पॉन्सरशिप के लिए रब्ता करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारी जो है ना, लेट्स सपोज आप इस पत्ते के बारे में बता दो, और इस पत्ते के बारे में अगर आप अपने YouTube चैनल से बताओगे तो भाई इसके हमारे पास ना डिमांड बढ़ जाएगी, लोग इसको ख़रीदने के लिए आएंगे। द रीज़न बिहाइंड कि लोग आपकी फेस वैल्यू, मतलब आपकी फेस वैल्यू लोगों के पास बनी हुई है, लोग आपके चेहरे पे आएंगे कि भाई फहद ने बताया या XYZ किसी ने भी बताया, नादिर अली ने किसी परफ्यूम के बारे में कर दिया। तो बताने का मकसद है, मेरे पास पर्सनली एक कॉल आई, मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, उन्होंने मुझसे बोला भाई देखिए, मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ क्योंकि मेरे पास व्यूज़ इतने अच्छे नहीं थे, मेरे इलाके में एक और बंदा रहता है जिसका चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। तो उन्होंने बोला यार आप ना मेरी उनसे बात कराते हैं। वो अलग बात है कि मेरी उनसे बात हुई नहीं हुई, वो एक अलग टॉपिक है। तो वो मुझसे कहते हैं यार कि जितने भी वो पैसे बोलेगा ना उसको हम दे देंगे, और कम से कम रेट ना 20,000-30,000 के दरमियान चल रहा है। मतलब अगर 2 साल के अंदर अगर आप अपनी व्लॉगिंग करके चैनल हिट कर देते हो ना, तो देखो व्लॉगिंग से भी कमाओगे, साथ में उस चीज़ से भी कमाओगे जिस तरह, जैसे कोई मैं आपको बुला लूँ, कोई ब्रांड आपको बुला ले, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ अपनी, कि कोई ब्रांड आपको बुलाता है, वो बोलता है यार हमारी प्रमोशन करो, इससे तरह करो, लोग इससे बहुत तरीक़ों से कमा रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि भाई इससे बिल्कुल पैसा नहीं है, वो लोग आपको चाहते नहीं है कि आप लोग जो है ना इस फील्ड के अंदर उतरो। देखो एक बात याद रखना, शाहिद आफरीदी, विराट कोहली को भी पता होता है ना कि भाई क्रिकेट के अंदर फेम और पैसा नहीं है, तो वो कभी भी नहीं आते। इंसान को कहीं ना कहीं चाशनी ज़रूर नज़र आ रही होती है, और सबसे बड़ा झूठ एक ही है कि भाई मैंने तो वीडियोज़ बनाना शुरू करी, मुझे तो पता ही नहीं था पैसे का, मैं तो लल्ला था, मैं तो काका था, मैं तो रोटी को चूची बोलता था। ऐसे लोग बिल्कुल वही होते हैं जो रोटी को चूची कहते हैं। जो लोग कहते हैं कि भाई हमें पता नहीं था कि भाई व्लॉगिंग से कभी पैसे भी कमा लेंगे, लेकिन हमने शौक के लिए करते रहे, भाई शौक एक अलग चीज़ है। जब तक किसी को नहीं पता होता ना कि मतलब इंसान को पता चल जाता है, कोई भी इतना नन्ना नहीं होता कि कोई ये बोले कि यार बस मैंने ऐसी स्टार्ट करी थी, पैसे आए नहीं आए। भाई देखिए, हर इंसान की ख्वाहिश होती है, फितरी ख्वाहिश होती है कि वो लोगों में जाना जाए, उसके पास अच्छे पैसे हों, सारी चीज़ें हों, लेकिन असबाब भी बहुत सारे लोग इख्तियार करते हैं। बहुत सारे लोग असबाब दूसरे तरीके से इख्तियार करते हैं, उनके पास दूसरे तरीके से, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई वो व्लॉगर बने। तो भाई व्लॉगर आप बने, इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए अच्छा। अगर इक्विपमेंट अच्छा है तो लोगों को सबसे बड़ी हर्डल एक चीज़ की आती है, इक्विपमेंट है, सब चीज़ें हैं, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे, तो उसके पीछे कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस शेक होता है आपका, और अगर कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते इस फील्ड के अंदर। इस फील्ड के अंदर इंट्रोवर्ट बंदा तो बिल्कुल भी नहीं चलता, हाँ आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है थोड़ा सा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब पब्लिक के अंदर बात करना आनी चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी स्किल अच्छी हो, मतलब आप ना हिचकिचाओ नहीं, मतलब आप व्लॉगिंग करो, सारी चीज़ें करो। देखो लोग अगर हंसेंगे स्टार्ट में, वो इसलिए हंसेंगे क्योंकि आपके पास व्यूज़ नहीं होंगे, लेकिन ऐसे लोगों जानता हूँ पर्सनली जिन पे लोग हंसते थे, आज उनके पास व्यूज़ अच्छे आने लगे, लोग उनकी वाह वाह करते हैं। मतलब देखें, लोग चढ़ते सूरज की पुजारी हैं, तो अभी आपका सूरज नीचे है, जब चढ़ेगा तो सब आपके पुजारी बन जाएंगे। तो बताने का मकसद है व्लॉगिंग में पैसा है, इन शॉर्ट बस बात को ख़त्म करते हैं, लंबी हो गई बहुत ज़्यादा।